एवरीवन, तो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है एक साड़ी का हॉल। और ये जो साड़ी हॉल होने वाला है ये होने वाला है अमेजोन से। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे साड़ी के हॉल के लिए। एंड ये जो साड़ियाँ मैंने परचेज़ की है जो आपके लिए लेके आई हूँ ये है अंडर 500 है। मैंने ट्राई किया है अंडर 500 लेने के लिए। एंड इसमें जो मैंने सभी मिक्स कर दिए साड़ियाँ, लाइक आपको इसमें कॉटन भी मिल जाएंगी, सिल्क भी मिल जाएंगी, प्रिंटेड भी मिल जाएंगी, नेट भी मिल जाएंगी। तो सारी साड़ियों के कॉम्बिनेशन कलेक्शन में आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आई होप आपको आज का ये वाला वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए विदाउट एनी लेट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वाला जो साड़ी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये कुछ इस तरीके की साड़ी है। एंड ये ब्लैक कलर में साड़ी है। अभी तक मैंने इन्हें ओपन भी नहीं किया है, जस्ट पॉलीथिन से निकाला है। और ये कुछ इस तरीके की आपको साड़ी मिलने वाली है। प्राइस मैं सभी की स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर लेना है। ये वाली साड़ी जो है पूरी प्रिंटेड साड़ी है, ब्लैक कलर की साड़ी मिलेगी और रेड कलर से इस पर जो है फ्लावर्स बनाए हुए हैं इस तरीके से। एंड आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल सी साड़ी है और मिरर वाली लेस लगाई हुई है। ये जो मिरर लेस है ये प्लास्टिक मिरर है, वो रियल मिरर नहीं है। तो ये वाली लेस मुझे बहुत अच्छी लगी, क्वालिटी बहुत ही अच्छी है साड़ी की, बहुत अच्छी साड़ी है। लाइट शिफॉन और जॉर्जेट मिक्स है ये वाला मटेरियल। इस तरीके की आपको ये पूरी प्रिंटेड साड़ी मिल जाएगी। पूरी साड़ी जो है प्लेन है, बस इसमें जो है ये मिरर वाली लेस दी हुई है। बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है वियर करने के बाद, इस तरीके के कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे लगते हैं पहनने के बाद। एंड इसमें जो इन्होंने ब्लाउज़ दिया है ये कुछ इस तरीके का, ये कुछ इस तरीके का इन्होंने ब्लाउज़ दिया है। यहाँ पे इन्होंने ये वाली मिरर की लेस दी है ब्लाउज़ की, जो यहाँ पे आपके स्लीव्स पे आ जाएगी। ये पूरा जो है 90 सेंटीमीटर का ब्लाउज़ है। तो अगर आप एक्सल या डबल एक्सल में भी है तो भी आपके आराम से फिटिंग में आने वाला है ब्लाउज़। एंड ये वाला कपड़ा ब्लाउज़ का कुछ इस तरीके का है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। कुछ इस तरीके का फैब्रिक इन्होंने ब्लाउज़ पर दिया है, मतलब शाइनी शाइनी सा मटेरियल है। बीच बीच में एम्ब्रॉयडरी नहीं कह सकते, मतलब शाइनी वाला कुछ इन्होंने ऐसे शाइनी वाला इन्होंने कुछ प्रिंट किया हुआ है। कुछ इस तरीके का प्रिंट आपको पूरा ब्लाउज़ मिल जाएगा, प्लेन ब्लाउज़ है। और इसमें पूरे पे इस तरीके से डॉट डॉट पॉल का डॉट जैसे कुछ प्रिंट्स किए हुए हैं। तो और साड़ी की जो लेंथ है वो है 5.5 मीटर की लेंथ है। तो लेंथ काफ़ी अच्छी इन्होंने दी है, पूरी लेंथ है। सो नेक्स्ट साड़ी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो कुछ इस तरीके की कॉटन और सिल्क में साड़ी है। बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी है ये वाली। एंड ये वाली साड़ी का बहुत अच्छा लुक आता है, बहुत क्लासी सा लुक आता है, पहनते हैं जब बहुत ही अच्छा लगता है इस साड़ी का लुक। साड़ी इस तरीके की मिलेगी, नीचे इसमें इस तरीके का बॉर्डर मिल जाएगा। मैं इमेज साइड में अपलोड कर दूंगी और मेरी भी इमेज अपलोड कर दूंगी वीडियो की पहनने के बाद ये कैसी लगती है। यहाँ पे इन्होंने ये वाली गोल्डन लेस दी है, नीचे मेहरून कलर का ये वाला लेस दिया गया है और नीचे गोल्डन लेस है। ये वाली साड़ी बहुत ब्यूटीफुल लगती है, मतलब ऐसा नहीं लगता कि ये वाली साड़ी अंडर 500 है। तो मुझे उस अकॉर्डिंग ये वाली साड़ी बहुत ही अच्छी लगी। इस तरीके की आपको ये पूरी साड़ी मिलने वाली है। इसमें इन्होंने ब्लाउज पीस नहीं दिया है, ब्लाउज पीस आपको अलग से या तो परचेस करना पड़ेगा या फिर इसमें ब्लैक वाला जो ब्लाउज पीस है वो चल जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग ये वाली साड़ी बहुत अच्छी लगी। पूरी साड़ी की जो लेंथ है वो है 5.5 मीटर। बहुत ही अच्छा कलर है, मस्टर्ड कलर की ये साड़ी है बहुत। और इसका जो इन्होंने आंचल दिया है वो कुछ इस तरीके का इन्होंने आंचल दिया है, इस तरीके का आपको आंचल मिल जाएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल सी सिंपल साड़ी है, सोबर है पर पहनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। जो नेक्स्ट साड़ी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है एक प्रिंटेड साड़ी। तो मैं इस कलेक्शन में सभी जो है साड़ियाँ मैंने अलग अलग सेलेक्ट की है, प्रिंटेड भी है, सिल्क में भी है, कॉटन में भी है, नेट में भी है। तो ये वाली साड़ी कुछ इस तरीके की मिलेगी। मुझे इसका कलर प्रिंट बहुत ही ब्यूटीफुल लगा इसलिए मैं ये वाली साड़ी आपके लिए लेके आई हूँ। क्या है, मतलब समर्स के अकॉर्डिंग फ्लावर प्रिंट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं, उस अकॉर्डिंग ये वाली साड़ी बहुत ही अच्छी है। बहुत ही प्यारा सा सोवर सा कलर मतलब प्रिंट है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो इस तरीके की साड़ी मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको इसका ब्लाउज पीस दिखा देती हूँ। ब्लाउज पीस ऐसा कुछ इन्होंने प्रोवाइड किया है, ये ब्लाउज पीस 80 सेंटीमीटर का है। आप चाहें तो इसमें अलग से ब्लाउज पीस परचेज कर सकते हैं। मुझे इसका ब्लाउज थोड़ा कम अच्छा लगा, मतलब अगर साड़ी के साथ कुछ अलग से मैचिंग करके पहनेंगे वो ज़्यादा पेयर अप करके पहनेंगे वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस ब्लाउज़ को आप चाहें तो स्टिच करा सकते हैं, नहीं भी कराएं 80 सेंटीमीटर का आपको ये वाला ब्लाउज पीस मिल जाएगा। इस तरीके का प्रिंट है। फिर यहाँ से ये वाली साड़ी स्टार्ट होती है, पूरे पे इन्होंने फ्लावर प्रिंट दिया हुआ है। एंड आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा ये फ्लावर प्रिंट है। पूरी साड़ी बहुत अच्छी है। सबसे अच्छी बात है फैब्रिक। अगर इस साड़ी के प्राइस की बात करूँ तो शायद 299 की ये साड़ी है, उस अकॉर्डिंग इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही अच्छा फैब्रिक है। रियल में पूरा जो फैब्रिक है वो है सिंथेटिक फैब्रिक है, सिंथेटिक पॉलिस्टर फैब्रिक है इसका। साड़ी की लेंथ है 5.5 मीटर की ये साड़ी है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। वियर करने के बाद इस साड़ी का लुक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहता है, इसलिए मैंने ये वाली साड़ी सेलेक्ट की है। और प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे ये वाली साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि इतनी कम प्राइस में आपको इतनी ब्यूटीफुल सी साड़ी मिल रही है। तो उस अकॉर्डिंग मुझे ये वाली साड़ी अच्छी लगी। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो मैं इन सब साड़ियों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। अब जो
फोर्थ साड़ी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, नेट साड़ी है, वो है नेट में। ये वाली साड़ी वैसे तो मतलब काफ़ी लोगों ने देख ली होगी, बट ये वाली साड़ी मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, गर्ल्स के अकॉर्डिंग भी और ऐसे लेडीज़ के अकॉर्डिंग भी। अगर आप चाहें ना तो इस साड़ी को फंक्शन से लेकर कैजुअल से लेकर कैसे भी वेयर कर सकते हैं, इसलिए मुझे ये वाली साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये वाली साड़ी पूरी क्या है, नेट में मिलती है, ऐसी पूरी साड़ी बिल्कुल प्लेन नेट में मिल जाएगी। इस एक तो नेट होता है जो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन इसका जो नेट है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर आप वियर करेंगे तो बहुत ही कंफर्टेबल फील होगा और बहुत आराम से आप इन्हें वियर भी कर सकते हैं। हार्ड नेट वाली क्या है, वियर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन ये वाली साड़ी आप आराम से वियर कर सकते हैं। पूरी ऐसे नेट में साड़ी मिलेगी, क्वालिटी बहुत ही अच्छी है नेट की। एंड इन्होंने यहाँ पर इस तरीके की रेड और ब्लैक लेस दी है। ये वाली जो लेस है ना, ये कुछ इस तरीके की लेस है, शाइन करती है ये वाली लेस में, सिक्वेंस तो नहीं है ये, लेकिन ये वाली लेस क्या है, शाइन करती है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है वियर करने के बाद। अब पूरी साड़ी इस तरीके से आपको प्लेन मिलेगी, इसमें इन्होंने कोई भी ऐसे मतलब आँचल अलग से नहीं दिया, साड़ी अलग से नहीं दी, चारों तरफ इस साड़ी में मतलब नीचे की साइड आपको इस साड़ी में पूरे में लेस मिल जाएगी और आपको आँचल में इसमें लेस मिल जाएगी इस तरीके से। तो इस तरीके की आपको पूरी ये वाली ब्लैक कलर की साड़ी मिलने वाली है और बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है वियर करने पर। मुझे तो ब्लैक कलर वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसलिए, और साड़ी की लेंथ भी वही है, 5.5 मीटर की साड़ी है। मैंने इस साड़ी को पेयर अप किया है अलग से ब्लाउज के साथ, ब्लैक कलर का ब्लाउज है ये, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है ब्लैक कलर का ब्लाउज। ये वाला बहुत ही अच्छा ब्लाउज है एंड इसके साथ जो ब्लाउज मिला है ना, ये कुछ इस तरीके का ब्लाउज मिला है। ये प्लेन ब्लाउज है, लेकिन अगर आप इसे स्टिच करवाना चाहें तो जैसा पिक्चर में दे रखा है आप इसमें नेट वगैरह यूज़ करके इसे स्टिच करवा सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है अगर आप इसे रेड ब्लाउज के साथ पेयर अप करें, या फिर जो मैंने ब्लाउज पहना है उस ब्लाउज के साथ पेयर अप करें। वो ब्लाउज मैंने अमेजन से ही परचेस किया है, ऑलरेडी स्टिच्ड ब्लाउज है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप लेना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से बाय कर सकते हैं। इसका ब्लाउज ऐसा कुछ प्लेन मिलेगा पूरा, और ये बेंगलोरी सिल्क का ब्लाउज है, सिंपल ब्लाउज है पूरा, और 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज है। फैब्रिक तो काफ़ी अच्छा है ब्लाउज का भी साड़ी का भी, तो आप उस अकॉर्डिंग इसे बाय कर सकते हैं। तो गाइस, जो नेक्स्ट साड़ी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये अगर आपको ऑकेजन के अकॉर्डिंग कोई साड़ी परचेज करनी है तो आप इसमें जा सकते हैं। अगर आपको मतलब ये है कि 500 के अंडर लेना है, बजट में लेना है, तो ये वाली साड़ी बहुत अच्छी लगती है। अंडर 500 तो ये लगती भी नहीं है, फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही अच्छी साड़ी लगी मुझे ये वाली साड़ी, तो सच में बहुत अच्छी है। एक मिनट मैं आपको ओपन करके बताती हूँ। इस साड़ी का कलर थोड़ा आपको ऐसा दिख रहा होगा कैमरे में कि बहुत ज़्यादा मतलब ब्राइट है, लेकिन ये वो वाला येलो कलर नहीं है, ये केसरिया में जो येलो कलर आता है ना, वो वाला येलो कलर है, ये वाला ये येलो कलर नहीं है। तो ये वाली साड़ी कुछ इस तरीके की मिलने वाली है। पूरी साड़ी इन्होंने प्लेन दी है, ये वाली जो है बॉर्डर में लेस लगाई हुई है, ये वाली लेस है, और लेस का है ना जो फैब्रिक है और लेस की जो क्वालिटी है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। पूरी साड़ी ऐसे प्लेन मिल जाएगी शिफॉन में, मतलब आँचल से लेकर और पूरी साड़ी आपको सेम ऐसे प्लेन साड़ी मिलने वाली है। एंड आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल साड़ी है, इसका फैब्रिक बहुत ही अच्छा है, शिफॉन फैब्रिक है। अगर आप समर्स के अकॉर्डिंग भी लेना चाहते हैं ना, शिफॉन फैब्रिक समर्स में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत कंफर्टेबल रहता है, लाइट वेट होती है ये वाली साड़ियाँ। तो इस तरीके की ये वाली साड़ी मिलेगी, और ऐसा नहीं है पहनने के बाद बिल्कुल भी ये लटकेगी, क्योंकि इसकी जो लेस है ना वो भी बहुत ज़्यादा लाइट है। तो इस तरीके की आपको ये पूरी साड़ी मिल जाएगी, प्लेन साड़ी है, 5.5 मीटर की साड़ी है, शिफॉन का फैब्रिक है, और फिर इन्होंने जो है इसका ब्लाउज़ पीस दिया है, इसका ब्लाउज़ पीस इसमें अलग से मिला है। तो इन्होंने क्या, साड़ी तो बिल्कुल प्लेन कर दी लेस के साथ, और इसका ब्लाउज़ पीस थोड़ा हैवी कर दिया, ब्लाउज़ पीस जो है सिल्क में है, और आगे इन्होंने इसमें इस तरीके का पैटर्न दिया हुआ है, ऑलरेडी बना हुआ है। ये वाला इसका फ्रंट नेक है, और बैक की साइड भी सेम इन्होंने इस तरीके का ही दिया गया है। स्लीव्स के लिए इन्होंने इसमें अलग से डिज़ाइन दिया है, ये वाला एक सेकेंड, स्लीव्स के लिए इन्होंने अलग से ये वाला इन्होंने डिज़ाइन दिया गया है पूरे पे, ये गोल्डन जरी से काम किया गया है, बहुत ही अच्छा काम है। मतलब ये वाली साड़ी मुझे बिल्कुल भी अंडर 500 बिल्कुल नहीं लगती, बहुत ही अच्छी साड़ी है। ओकेज़न में बजट में कुछ लेना चाहते हैं तो ये वाली साड़ी आप ज़रूर से ज़रूर बाय करें। लास्ट वन साड़ी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये भी एक बिल्कुल सिंपल साड़ी है, मतलब प्लेन साड़ी इन्होंने मैंने परचेस की है। इसका मुझे प्रिंट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, सिंथेटिक साड़ी है पर पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लुक आता है इस वाली साड़ी का।
ये वाला ब्लाउज पीस मिल जाएगा। एंड इसमें इन्होंने ये वाला प्लेन इन्होंने ये वाला आंचल दिया हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। आंचल का कलर प्रिंट बहुत अच्छा है। मुझे इस साड़ी की सबसे अच्छी बात करेगी इसका कलर कॉम्बिनेशन, अंडर मतलब 300 शायद अंडर ये वाली साड़ी है, उस अकॉर्डिंग मुझे ये वाली साड़ी बहुत अच्छी लगी। थोड़ा ब्लाउज इसका कम अच्छा लगा, लेकिन आप चाहें तो इसमें अलग से ब्लाउज पीस अगर कैरी करेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक मिलने वाला है आपको इस साड़ी का। और क्या है, बिल्कुल लाइट वेट साड़ी है, प्राइस भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, सिंथेटिक पॉलिस्टर फैब्रिक है, बहुत ही अच्छा लगता है वियर करने के बाद, एंड बहुत ही अच्छा लुक मिलता है। गाइस आई होप आपको आज का मेरा साड़ी का कलेक्शन पसंद आया होगा, पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में है बेल आइकन जरूर से जरूर डन कर देना, जिससे आप मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप सबसे पहले नोटिफाइड हो जाएंगे। एंड अगर आप कोई और वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी आपके साथ वो वीडियो शेयर करने का। तो अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।